हेलो दोस्तों, आज जन्माष्टमी स्पेशल मटकी मिठाई बना रहे हैं। इसके लिए मैंने ये इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। मैंने ये बीट रूट लिया था, उसको ग्रेट करके और मिक्सी में पीस लिया। थोड़े से दूध के साथ में और मिल्क पाउडर के साथ में इसको कुक करके इस तरह से कंसिस्टेंसी में इसका टाइट सा डो बना लिया है अलग कलर के लिए। इसी तरह से मैंने ये मिल्क पाउडर और दूध को अच्छी तरह से गाढ़ा कर लिया और उसमें हल्दी मिला के इसको अच्छी तरह कुक कर लिया, तो ये कच्चा बिल्कुल नहीं है। और इसी तरह से ये मिल्क पाउडर एक्स्ट्रा में ले रखा है, पाउडर शुगर है ये, और ये डेसिकेटेड कोकोनट है। कोकोनट को मैंने डेसिकेटेड कोकोनट को मिक्सी में ग्राइंड करके और बिल्कुल स्लाइट सा धीमी आंच में रोस्ट कर लिया, तो बिल्कुल इसका कच्चापन निकल चुका है। तो ये मिठाई एकदम अच्छी तरह कुक हुई है और ये काजू का पाउडर है। तो आइए हम पहले अलग दो तरह के कलर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैं ये कोकोनट ले रही हूं और ये बीटरूट का ये जो मिक्सचर है ये ले रही हूं और शुगर ले रही हूं थोड़ी सी। अब देखते हैं मिल्क पाउडर की जरूरत होगी तो अपन और मिला लेंगे। थोड़ा सा यहां पे मिला के रख लेती हूँ थोड़ा मॉइस्चर के लिए। ये मैंने एक बना के रख दिया है, अब दूसरा बनाना शुरू कर रही हूं मैं। फ्रेंड्स, अब दूसरा मिक्सचर बना रहे हैं, वो व्हाइट रखूंगी मैं। इसमें थोड़ा सा काजू पाउडर है ये। हल्का सा मिल्क पाउडर, शुगर, फ्रेंड्स ये मैंने मिक्स कर लिया। मुझे थोड़ा सूखा लग रहा है तो गुनगुना सा दूध एक दो बूंद डाल रही हूं मैं, फिर मिला रही हूं इसको। ये व्हाइट वाला पार्ट भी बन चुका है इसका, अब मैं येलो बना रही हूं। इसके लिए मैंने ये कोकोनट डाल रही हूं, बाकी का बचा हुआ मेरे पास है जो है। ये काजू का पाउडर है, ये मिक्स कर रही हूं इसमें। ये शुगर है, ये वो है मिक्सचर जो कलर के लिए बनाया था मैंने, मिल्क पाउडर और उसके साथ में दूध के साथ में। इसको अच्छी तरह मिक्स कर रही हूं मैं। फ्रेंड्स ये भी बना चुकी हूँ, अब इनके सबके मैं अलग अलग बॉल्स बना के रख रही हूँ, उसके बाद में ये मटकियां बनाएंगे। लीजिए फ्रेंड्स, मैंने एक बॉल ये इसका गोल गोला लड्डू जैसा बना दिया था। अब इस तरह अंदर से इस तरह से मैं उंगली के साथ सारे सारे इसको मैं बनाती जा रही हूँ ये मटके की शेप में। ये देखिए, ये हमारी कलरफुल मटकियां बनके तैयार हो जाएंगी भगवान के लिए। एक व्हाइट कलर की और बनाती हूँ। ये देखिए व्हाइट कलर में ही बना रही हूं मैं इसको, इस तरह से घुमाते हुए। देखिए